वो ऊपर है पहाड़ी में, जा सर पहाड़ी में, पहाड़ी में बहुत ऊपर है, फिर माता वही विस्थापित होगी, नीचे वही रहेगी। राम राम दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर रिसुंदी आकाश राणा। आज हम जाएंगे, यहाँ पे बहुत प्राचीन मंदिर है, वहाँ पे सिमसा माता बोलते हैं उन्हें, तो वहाँ पे जाके आपको दिखाएंगे कि मंदिर कैसा है और वहाँ पे बहुत ही चमत्कारी ताकतें हैं, तो देख चलते हैं वहाँ पे और दिखाएंगे आपको। तो जाके जल्दी से फ्रेश हो लेते हैं, नहा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो रेडी होकर निकल गए हम सिमसा माता के लिए, रास्ते में रुका पानी भरने के लिए। अच्छा जी, बोल रहा है पानी, चलते हैं। तो भाई खाने का सामान लेने के लिए रुके हैं, कुछ ले लेते हैं, पेप्सी चिप्स विप्स कुछ, तो आगे शॉप पे कुछ ले लेते हैं। तो ले लिया सामान खाने का और वो खड़े अपने गाड़ी, और अब यहाँ से सीधा चलते हैं मंदिर की तरफ। तो रास्ते में रुके हैं है भाई योगेश। हाँ भाई, और व्यू देखो क्या व्यू है भाई साहब, पीछे पहाड़ और छोटे छोटे घर दूर दूर तक। क्यों, अरे अब कई दिन हो गए, याद आने लग गए हो? सब आगे जा चुके हैं, उन्होंने ले लिया प्रसाद और अब हम जा रहे हैं पीछे पीछे। तो अंटी कोशिश कर रही है पत्थर हिलाने की, उंगली लगा के हिलाओ, हिला दिया पत्थर है, पत्थर हिला दिया, हिल गया पत्थर। तो हम मतलब अच्छे आदमी हैं और बढ़िया दिल वाले आदमी हैं, क्या हमारे हिल गया पत्थर। आई तब नीचे आई तब देखा कि भगवान शिव थे वहाँ पे, फिर वो गई नहीं। एक्चुअली जो चमंडा का मंदिर है वो ऊपर है पहाड़ी में, जाकर पहाड़ी में, पहाड़ी में बहुत ऊपर है, फिर माता वही विस्थापित होगी, नीचे वही रह गई और नीचे नहीं, ऊपर नहीं गई, ऊपर नहीं गई, तो मतलब नीचे रह गई है वो, उस मंदिर का रहस्य है, उसका पत्थर का बहुत बड़ा पत्थर है वो। चमंडा तो गई तो नीचे घूम के जाना था ना आपने,
नीचे, नीचे की तरफ से घूम के जाना था, वहाँ मिलेगा आपको वो पत्थर। तो शिव का मंदिर भी है नीचे और वो मूर्ति वगैरह भी है अंदर, तो उसके अंदर जाओ तो वो लिखा पड़ा, वो सारा इतिहास इसके अंदर लिखा है, वो एक पूरा बोर्ड सा लगा रखा उसके अंदर लिखा। तो ऐसी है चीजें। तो अब यहाँ से बहुत ऊपर जाना है मंदिर, वहाँ पे वापसी, और फिर उसके पीछे की साइड हमारी गाड़ी खड़ी है तो वहाँ तक पैदल जाना पड़ेगा, और बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, 100 सीढ़ियाँ है, ज़्यादा ही है 100 से। वहाँ से सिर्फ इतना ऊपर आए हैं और थक चुके हैं, अभी वहाँ ऊपर तक और जाना है, देखते हैं। भाई थक के हो गया बुरा हाल, योगेश भाई वहाँ बैठा हुआ है, बहुत ज़्यादा थक गए। वो देखो व्यू कितना शानदार आ रहा है यहाँ से, लेकिन धुंध पड़ी हुई है तो कैमरे में इतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा, और अभी ऊपर और जाना है और थक गए। योगेश भाई, भाई कैसा लग रहा है? बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है भाई, थकने के बाद ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल डाउन हो चुका है भाई। ये था सिमसा माता का मंदिर, और अब यहाँ से जा रहे हैं सीधा घर की तरफ वापसी। बारिश हो गई है और बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी हो गई है, पसीना आ रहा है और बुरा हाल हो रखा है। तो यहाँ से निकलते हैं घर की तरफ, और फिर घर पहुँच के ब्लॉग एंड करूँगा तो स्टोरी बताऊँगा।